उठ जाओ फहाद, स्कूल के लिए लेट तो हो रहे हैं, जल्दी उठ जाओ, उठ अच्छा उठो जाओ ना जल्दी। यार, स्कूल जाना है। स्लीपर्स हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फहाद हसन है और आप देख रहे हैं विलेज एंड टूर व्लॉग। सबको गुड गुड और वेरी गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लाइट्स लग जली पड़ी हैं, लग ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन ये बहुत अर्ली मॉर्निंग के मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप जब मर्जी देखें, रात को बेशक देख रहे हो, लेकिन जहाँ भी देख रहे हैं ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे नए सब्सक्राइबर बन जाए, ताकि आपको ऐसे मज़े मज़े के व्लॉग जो कि ऐसा कि आज मिला है वैसा ही मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें जो भी नए व्यूअर्स हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आज पहला पहला दिन है मेरा स्कूल का, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी उसमें देखा कि मुझे स्कूल के लिए उठाया गया। तो रूटीन भी ऐसे थोड़ी चेंज हुई है, जो थोड़े चेंजेस आए हैं रूटीन में और क्या करने लगा हूँ आज पहले दिन में, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें और उम्मीद है आपको पसंद आएगी वीडियो। तो अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं तकरीबन, हाँ 6 बज रहे हैं। तो 7 बजे तक तैयार होंगे, खाना खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, तो तब तक टाइम हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से तैयार होने जाना है। तो आप तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद आपसे कुछ बातें करूंगा मैं। और अभी भी देखें मैं ये रजाई के अंदर लेटा हूँ, सर्दी लग रही थी अभी भी। और देखें बाहर दिन भी हो गया है काफ़ी, तो अभी मुझे उठना होगा। तो अभी देखें मैं ये गया। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी बस कंघी कर रहा, बाल बाल ब्रश कर रहा था, तो आई एम रेडी। ये देखें, ये देखें, देखिए पूरी तरह मैं रेडी हो चुका हूँ। तो स्कूल का भी टाइम हो रहा है, तो अब नाश्ता आने वाला है। तो तब तक, जब तक नाश्ता आता है, तो तब तक मैं आपको कुछ बाहर के सीन दिखा देता हूँ, फिर नाश्ता, और नाश्ते के बाद लंच बॉक्स लेकर आगे जो भी होना है वो आप खुद देखिएगा। तो अभी हम बाहर आते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल सन्नाटा हर तरफ, और ठंड भी है बाहर, धुंध हल्की हल्की थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन ठंड है। मैंने कोट भी पहना हुआ देखा, जैसे कि यूनिफॉर्म में आपने, और देखिए एक फैन भी आ रही है उधर बच्चों को मेरे ख्याल से लेने, क्योंकि अब तो सब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। तो ये देखिए कैसा सन्नाटा छाया हुआ है बाहर। तो अब क्या, आप चलते हैं अंदर, क्योंकि मुझे अंदर से आवाज़ आई है कि नाश्ता बन चुका है। तो नाश्ता जो बन गया है उसको खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं टोपी पहनी थी तो इसलिए दोबारा बाल ख़राब हो गए हैं। तो अब भी मैं मास्क, जो कि अब नेसेसरी हो गई है स्कूल में, तो ये पहनना है मैंने। तो आप भी पहन कर जाते होंगे, क्योंकि अब तो इसके बगैर वो नहीं अंदर एंटर होने देते, हमें तो नहीं एंटर होने देते, तो मास्क ज़रूरी है। तो अभी तो मास्क में उतार कर आपसे थोड़ी बात कर रहा हूँ। अभी मैं अपना लंच लेके आता हूँ और देखते हैं लंच में क्या है। तो लंच में देखने के बाद हम क्या कर देंगे, हम ड्राइवर अंकल भी आ गए हैं अभी अभी, मैंने खोल के आया दरवाज़ा और उनको कीज़ भी दी हैं उसकी, और मम्मा भी बुला रही हैं मुझे कि लंच लेने आ जाओ, तो मैं लंच लेके आता हूँ। फ्रेंड्स लंच बॉक्स ले आया हूँ मैं,
तो अब देखते हैं लंच बॉक्स में क्या है। समोसे। तो आज हम समोसे खाने वाले हैं लंच बॉक्स में, क्योंकि कैंटीन्स तो फिर खुली नहीं होती क्योंकि वायरस की वजह से कैंटीन उन्होंने बंद कर दिया, मेरा रश हो जाता है वहाँ पर। तो लंच बॉक्स में अभी हम समोसे लेके जा रहे हैं, वो तो स्कूल में जाकर इंजॉय करूँगा मैं, आप इसको देख कर इंजॉय किया होगा उम्मीद है। तो अब टाइम हो गया है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल से आया हूँ और अभी कपड़े चेंज किए हैं, तो बहुत थका पड़ा हूँ। एज़ आप सबकी भी यही हालत होती होगी जब स्कूल से आ रहे हैं, बहुत नींद आ रही है मुझे, लेकिन सो नहीं सकता अभी क्योंकि अभी ट्यूशन वाले सर भी आ चुके हैं। मैंने इसलिए आपसे थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करूँगा। तो बहुत मतलब आज मज़ा भी आया हमें, और बस बोरिंग भी था थोड़ा सा क्योंकि पहला नींद आ रही थी स्कूल में भी। तो कहा आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट हो जाएगी, लेकिन मज़ा तो मज़ा भी आया, दोस्तों से मिला और पढ़ा भी हमने, तो ओवरऑल अच्छा दिन गया आज ये स्कूल में मेरा। तो बाकी अपनी बहन से पूछता हूँ, ज़ैनब आ गई है, हादिया आ गई है, तो उससे पूछता हूँ कि हादिया का आज दिन कैसा गया। मेरा तो बहुत अच्छा गया, फिर उसके बाद में ट्यूशन पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, हादिया तो खाना खा रही थी और कह रही थी मैं थक गई हूँ स्कूल से आकर, तो मैंने सोचा ज़ैनब से पूछ लेते हैं फीलिंग्स कि आज उसको कैसा लगा। तो आइए जानते हैं ज़ैनब का कैसा दिन रहा आज पहले स्कूल में जाकर। मैंने कहा ज़ैनब से बनवा लेता हूँ, ज़ैनब से उसकी फीलिंग्स पूछ लेता हूँ। ज़ैनब, कैसा आपको लगा आज पहले दिन स्कूल में? मुझे मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं अपने दोस्तों से मिली, मैंने टीचर से बात की और आज का दिन बहुत ही अच्छा था और हम लोगों ने पढ़ा भी, और ये नहीं था कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, हम लोगों ने पढ़ा और मुझे बहुत मज़ा आया स्कूल में। हमारी तो बिल्कुल मेरे जैसी सिचुएशन, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं तो अभी थक गया था, बहुत थका पड़ा हूँ। तो चैनल का सब्सक्राइब करने के भी बोल दो प्लीज़ चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जरूर दबाएगा। तो ठीक है, ये थी फीलिंग्स बिल्कुल सेम तकरीबन मेरी जैसी ज़ैनब की फीलिंग्स थी। तो मुझे भी मज़ा आया था स्कूल में। तो अभी ट्यूशन वाले सर आ गए, मैंने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, ट्यूशन वाले सर इंतज़ार कर रहे होंगे। तो अब मैं अब ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। डूइंग माई होमवर्क। फ्रेंड्स, अब ट्यूशन से भी हो गया, फारिग हो गए हम, स्कूल से भी फारिग। तो एक तरह का मतलब पढ़ाई अभी मैंने कब कर ली है, तो अब मेरा खेलने का टाइम है, जो कि असर से मगरिब, अभी असर की नमाज़ भी पढ़ ली है मैंने, तो अब खेलना था। तो अभी बच्चे आए नहीं हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहनों के साथ, दोनों के साथ क्यों ना थोड़ी क्रिकेट खेल ली जाए, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको उसको देख कर मज़ा आएगा और उसके बाद वाली रूटीन भी देख कर मज़ा आएगा। तो अब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ अपनी बहनों के साथ, उनको भी बुला पाऊँ और उनको कहता हूँ कि हम क्रिकेट खेलें। सो फ्रेंड्स, नमाज भी पढ़ ली है मैंने मगरिब की, और अब बहुत ठंड है, और मैंने इसलिए क्योंकि मैं दूध लेने जा रहा हूँ तो मैंने कोट पहनना था। अब कैप भी ऊपर कर ली है क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। तो अब मैं दूध लेने जा रहा हूँ, दूध लेने के बाद हम टीवी देखते हैं सारे घर में बैठकर। तो टीवी जब देख रहे होंगे तब भी आपसे कुछ बातें करूँगा। तो उम्मीद है आपको अब तक का भी व्लॉग भी पसंद आ रहा होगा और आगे जाकर भी पसंद आ आएगा। अब थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा भी अब कुछ रह नहीं गया। सो लेट्स गो, दूध लेने चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अब दूध पीने लगा हूँ रात को, अक्सर आप लोग भी पीते होंगे, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़रूर पीना चाहिए। तो अब मैं भी पीने लगा हूँ दूध, और दूध पीने के बाद बस रजाई में चलेंगे और अपने व्लॉग को भी एंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम सोने जा रहे हैं, तो टीवी भी देख रहे हैं, तो मैं भी टीवी देखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आगे भी मैं व्लॉग भेजता रहूँगा, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंजॉयिंग गेम शो, बेस्ट ऑफ लक।